तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्ती होंगे। ठीक है, तो आज हम जन्माष्टमी स्पेशल फोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे एडिटिंग। तो वीडियो को फास्ट से इन तक देखना होगा। आज जिन लोग को एडिटिंग बारे में थोड़ा आती है तो उन लोग को बता रहा हूँ, PNG नहीं सेट हो रहा है तो वीडियो को इन तक देखो भाई। PNG को कैसे सेट कराना है, कहाँ क्या PNG लगाना है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज जो कलर है वगैरह है सब कुछ मैं डिटेल से, फोटो का सब कुछ कैसे, फेस का डिटेल्स कैसे मेंटेन करता हूँ, तो वीडियो को इसीलिए फास्ट से इन तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे जो फोटो है ओरिजिनल फोटो देख रहे हो कुछ इस टाइप की है, तो हम इसको एडिट करेंगे कुछ इस टाइप की। देख रहे हो बहुत ही आसान, बहुत ही गजब की होने वाला है और बहुत ही आसान है इस टाइप की एडिटिंग। ठीक है भाई, तो इस टाइप की एडिटिंग करने से पहले, हमारा चैनल पे नया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं नया नया वीडियो डालता रहता हूँ। तो हमारा चैनल पे सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको एडिट करने में बहुत ही हेल्प हो जाएगा भाई। ठीक है, तो पहले आपको जो करना है, इस जो हमारा फोटो है इस फोटो को हम शेयर कर देंगे हमारा जो पिक्सआर्ट ऐप है, पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। ठीक है, तो आपका जो फोटो को आप एडिट करना चाहते हो उसी फोटो को आपको शेयर कर देना होगा पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। तो पिक्सआर्ट ऐप पे आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, इधर टूल्स पे एक बार टच कर लेना होगा। टूल्स पे टच कर देने के बाद देख रहे हो भाई, इधर जो एक ऑप्शन दिख रहे हैं तो कारभार्स पे एक बार टच कर लेना होगा। ठीक है भाई, तो कारभार्स पे टच कर देने के बाद आपका जो फोटो का लाइट है, लाइट को कम कर लेना होगा कुछ इस टाइप की करके, इतना सा। ठीक है, तो इतना सा करके कम कर लेना होगा। तो कम कर देने से आपको क्या होगा, जो आपका फोटो है वो फोटो का क्लियरिटी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा, ठीक कर देना होगा। तो ठीक कर देने के बाद क्या करना होगा, इसका ऑप्शन है तो इफेक्ट्स पे एक बार हम टच करेंगे। टच कर देने के बाद हमको क्या करना होगा, इधर कलर रिचार्ज पे टच करेंगे। कलर रिचार्ज पे टच कर देने के बाद हम इधर रख के इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप करके छोड़ देना होगा। छोड़ देने के बाद इसको थोड़ा सा कम कर लेना होगा कुछ इतना सा करके। ठीक है, तो इतना सा रखना होगा, 221 पे आपका जो फर्स्ट वाले हैं उसको 221 पे रख देना होगा। रख देने के बाद आपको ऊपर देखो इरेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो इरेज पे हमको आ जाना होगा। इरेज पे आ जाने के बाद हमारा सिर्फ लिप्स जो है, लिप्स का ऊपर कुछ इस टाइप की कर लेना होगा। ठीक है, तो लिप्स जो है, लिप्स का ऊपर कुछ इस टाइप को हमको कर लेना होगा। ठीक है, तो लिप्स जो है देख रहे हो, लिप्स को हम कुछ इस टाइप की काली काट देने के बाद हमको क्या करना होगा, ऊपर एक ठीक का ऑप्शन है तो हम एक बार ठीक पे टच करेंगे। टच कर देने के बाद और एक बार टच कर लेंगे। ठीक है, तो और एक बार टच कर ली भाई, देख रहे हो। तो टच कर देने के बाद हमको क्या करना होगा, इधर जो कैंची दिखाई दे रहा है कैंची पे एक बार टच कर लेना होगा। टच कर देने के बाद हमारा जो फोटो है, फोटो को हम कुछ इस टाइप की करके हमको कटआउट कर लेना होगा हमारा फोटो को। और आप लोग और भी अच्छे से कटआउट इस टाइप की करना चाहते हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, तो वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप की हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, तो इधर देख रहे हो ठीक लिखा हुआ, इधर देखो तीर एक है, तीर पे हम एक बार टच कर दी। तो ठीक है, तो टच कर देने के बाद देख रहे हो हमारा फोटो जो है वो ऑलरेडी कट आउट हो चुकी है। तो हो जाने के बाद हमको क्या करना होगा, इधर जो इरेज पे है, इरेज पर एक बार टच कर लेना होगा। टच कर देने के बाद हमारा जो इधर कुछ स्टेप की है तो इसको हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो इरेज कर ली, देख रहे हो। तो हमारा फोटो है कुछ इस टाइप की हुआ है। तो इस टाइप की हो जाने के बाद हमारे इधर देखो सेव लिखा हुआ है, तो हम एक बार सेव पे टच करेंगे। ठीक है, तो टच कर देने के बाद हमको क्या करना होगा, इधर जो ड्रॉ टूल है, ड्रॉ टूल पे हम एक बार टच कर लेंगे। ड्रॉ टूल है हमारा, ड्रॉ टूल पे चले जाएंगे। ड्रॉ टूल पे जाने के बाद इसको 3 डॉट पे टच करेंगे और इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फोटो है, फोटो हम ऑलरेडी सेव कर चुकी हैं। तो कर देने के बाद हमको क्या करना होगा, बैक चले आना होगा। ठीक है, तो बैक आ जाना होगा कुछ इस टाइप की करके। बैक हो जाने के बाद कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो दिखाई देने के बाद हमारा प्लस पे एक बार टच कर लेना होगा भाई आप लोग को। प्लस पे हम टच कर ली, तो टच कर देने के बाद इधर देख रहे हो तो एक पेज ले लेना होगा। पेज लेना है आपको व्हाइट पेज, तो हमको कलर बैकग्राउंड लिखा हुआ है तो वह नीचे उसका नीचे जो हमारा जो ये बैकग्राउंड है व्हाइट पेज को हम ले ली भाई। ठीक है, तो व्हाइट पेज को ले लेने के बाद आपको क्या करना होगा, इधर टूल्स दिखाई दे रहा है, टूल्स पे एक बार टच कर लेना होगा। इधर क्रॉप पे टच कर लेंगे। ठीक है, तो क्रॉप पे टच कर देने के बाद कुछ इस टाइप की करके हम इसका साइज जो है, साइज को आपके फोटो के हिसाब से रखना भाई। मेरा फोटो के इस टाइप की करके कटआउट कर लेना होगा। आपको जितना चाहिए बड़ा इतना कर सकते हो। ठीक है, तो हमको इतना चाहिए तो हम इतना ले ली। तो ले लेने के बाद हमको क्या करना होगा, इधर देख रहे हो ऐड फोटो लिखा है तो ऐड फोटो पे हम जाएंगे। ठीक है भाई, तो ऐड फोटो पे हम आ गया। आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा,
जो ये वाला जो मैं PNG दे के रखूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स किधर मिलता है कुछ लोग को पता नहीं है भाई। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब मेरा जो वीडियो अभी देख रहे हो ना, उस वीडियो का जो टाइटल है, टाइटल तो पता ही है, टाइटल पे एक बार टच करो, जो नाम है नाम पे एक बार टच करो, तो नीचे की तरफ जाओ तो बैकग्राउंड PNG लिखा हुआ है, उसका नीचे एक लिंक है, लिंक पे जाओ तो आप सारे के सारे फोटो डाउनलोड कर सकते हो। जो कुछ इस फोटो में लगाऊंगा सब कुछ आपको उधर मिल जाएगा, ठीक है। और क्रोम से खोजो ढूंढोगे तो भाई नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। इस खुद को बनाना पड़ता है इस सब कुछ, ठीक है। तो इस टाइप की आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ठीक कर लेना होगा, ठीक है। तो भाई मैंने ठीक कर दी, ठीक कर देने के बाद देख रहे हो अमेजिंग एक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो अभी ऐड फोटो पे चले जाना होगा, ठीक है। तो ऐड फोटो जो है हमारा, ऐड फोटो देख रहे हो भाई आ गया। तो ऐड फोटो पे आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आप जो फोटो को काट आउट अभी करके रखा हो उस फोटो को आपको ले आना होगा इधर, ठीक है। तो मैं अभी जो काट आउट करके रखा था उस फोटो को हम इधर लेके आ गया। तो आ जाने के बाद हमारा फोटो को कुछ इस टाइप की करके हम इधर लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की करके हम इधर लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप की लगा देने के बाद किसी भी पोज से इस टाइप की कृष्णा भगवान की फोटो एडिटिंग कर सकते हो भाई। वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत कुछ बाकी है वीडियो की, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। अभी क्या करना होगा, ठीक कर लेना होगा एक बार, ठीक है। तो मैंने एक बार ठीक कर ली भाई, देख रहे हो। तो ठीक कर देने के बाद क्या करना होगा, इधर ऐड फोटो पे चले जाना होगा, ठीक है। तो ऐड फोटो पे फिर से हम आ गया। आ जाने के बाद हमको क्या करना होगा, ये वाला जो PNG है इस PNG को हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये PNG को हम लेके आ गया, और कुछ इस टाइप की करके बड़ा कर लेना होगा हमको, ठीक है। तो इस टाइप की करके बड़ा कर ली। बड़ा कर देने के बाद इधर रूटेड पे चले जाना होगा, ठीक है। इधर देख रहे हो रूटेड है, रूटेड पे आ जाने के बाद इस वाले पे टच कर लेंगे, तो कुछ इस टाइप की करके इधर आ गया, देख रहे हो। तो आ जाने के बाद हम इसको इधर लगा लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की करके लगा लेंगे। लगा देने के बाद क्या करना होगा, ऊपर देखो, ऊपर एक लेयर का ऑप्शन है, लेयर पे टच कर देना होगा, इधर डबल कर लेना होगा। डबल पे एक बार टच करोगे तो ये PNG इधर डबल हो चुकी है। तो हो जाने के बाद क्या करना होगा, फिर से हमको रूटेड पे चले जाना होगा। रूटेड पे आ गया तो इधर घुमा लेना होगा, ठीक है। घुमा लेने के बाद हमको कुछ साइज़ को इस टाइप की करके इधर लगा लेना होगा, ठीक है। तो देख रहे हो इस टाइप की लगा ली। लगा देने के बाद हम अभी ठीक कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताता रहता हूँ भाई कैसे PNG लगाना है, सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है, समझ में। तो आपको क्या करना होगा, अभी ऐड फोटो जो है, ऐड फोटो पे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐड फोटो पे आ जाने के बाद हमको क्या करना होगा, ये जो PNG है इस PNG को हमको लेके आ जाना होगा, ठीक है। तो इस PNG का जो साइज़ है, साइज़ को हमको सेट नहीं हो रहा है, देख रहे हो भाई। आप लोग को कोई भी इस टाइप की सेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, फुल जूम कर लेना होगा और कुछ इस टाइप की करके इधर लगा लेना होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की करके हम देख रहे हो लगा ली। लगा देने के बाद आपको क्या करना होगा, तो इसको कुछ इस टाइप की करके लगा दी। लगा देने के बाद ऊपर देखो इरेज दिखाई दे रहा है, तो इरेज पे जाएंगे, इरेज पे इधर टच करेंगे। टच कर देने के बाद इसको क्या करना होगा, आपको फुल कर देना होगा, कुछ इस टाइप की 95 पे रख देना होगा, ठीक है। 95 पे रख देने के बाद आपको इधर कुछ इस टाइप की कर लेना होगा, ठीक है। तो इरेज कर लेना होगा इस टाइप की करके, हमको इरेज कर लेना होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की करके इरेज कर लेने के बाद इधर देख रहे हो सिलेक्ट है, सिलेक्ट पे टच करेंगे, तो देख रहे हो कुछ इस टाइप की हुआ है। तो अभी फिर से इरेज पे टच करेंगे, इरेज पे टच करने के बाद इधर इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो इधर सिलेक्ट पे टच करेंगे, इधर सिलेक्ट चाहिए तो हम इधर कुछ इस टाइप की करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो देख रहे हो भाई इस टाइप की करके आप लोग को PNG को हमारा बिठाना होगा भाई। इसलिए मैं बताता रहता हूँ, वीडियो को देखा करो यार। तो कुछ इस टाइप की करके देख रहे हो हम बिठा दें। बिठा देने के बाद क्या करना होगा, तो इधर देखो ठीक कर लेना होगा, ठीक पे एक बार टच कर लेना होगा, ठीक है। तो टच कर दी, टच कर देने के बाद फिर से एक ही टिप्स है, तो इधर आ जाना होगा ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे आ जाने के बाद ये जो जितना सारा फोटो है ये हमारा गैलरी पे है भाई, गैलरी पे है तभी इधर आ रहा है। तो आपके गैलरी पे नहीं होगा तो भाई आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए गैलरी का लेने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कहाँ से करोगे भाई, हम जिस वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो का नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप की करके हम इसको लगा लेंगे, ठीक है भाई। तो आपको भी इस टाइप की करके लगा लेना होगा, तो इधर दिखाई दे रहा है कुछ इस टाइप की करके, इस टाइप करके लगा लेना होगा, ठीक है। तो देख लो भाई कुछ इस टाइप की करके हम अभी सेट कर लेंगे हमारा जो PNG है, PNG को कुछ इस टाइप की करके हम सेट कर ली। सेट कर देने के बाद इरेज पे चले जाना होगा, इरेज पे आ जाने के बाद इधर कुछ इस टाइप की करके इरेज कर लेना होगा, ठीक है। तो हम इस टाइप की करके इरेज कर ली, देख लो भाई। इरेज कर देने के बाद क्या करना होगा, अभी हम इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम ठीक कर दी, ठीक है। तो देख रहे हो मैंने ठीक कर दी। ठीक कर देने के बाद क्या करना होगा, इधर हमारा टूल्स है, टूल्स पे चले जाएंगे भाई। टूल्स पे आ जाने के बाद इधर जो क्लोन है, क्लोन क्लोन पे टच करेंगे, और हम अभी इधर कुछ इसको इधर रखेंगे और इसको इस टाइप की कर लेंगे, ठीक है। इसको जूम पॉइंट को हम इधर रखेंगे और इस टाइप की करके हमारा जो हेयर है, हेयर को हम इस टाइप की करके काट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी फ़ोटो की भी इस टाइप की है तो कुछ इस टाइप की कर सकते हो।
तो हम अभी इसको काट लेंगे, ठीक है, इरेज कर लेंगे। तो नहीं तो इधर बेकार सा दिखाई दे रहा है, तो इधर रखेंगे जूम पॉइंट को, हम इधर रखेंगे जिस कलर चाहिए आपको, तो इस कलर को इस टाइप की करके इधर रख देना होगा, जूम पॉइंट को इधर रख देना होगा और इस टाइप की करके इरेज कर लेना होगा। बहुत ही आसान है भाई, वीडियो जिधर समझ में नहीं आ रहा है उधर थोड़ा रोक लो तो आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की हमको कर लेना होगा, तो देख रहे हो कुछ इस टाइप की कर ली। तो अभी देख रहे हो हमारा जो फोटो है, वो फोटो अभी बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा है। तो अभी हमको क्या करना होगा, ठीक कर लेना होगा, ठीक है। तो एक बार ठीक कर दी, ठीक कर देने के बाद क्या करना होगा, ऐड फोटो जो है हमारा, ऐड फोटो पे चले जाएंगे। ऐड फोटो पे इधर आ जाने के बाद हमारा जो ये वाला PNG है, तो इस PNG को हम लेके आ जाएंगे इधर। इधर आ जाने के बाद कुछ इस टाइप की करके साइज को कर लेंगे, साइज को इस टाइप की रख के हम अभी इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो इधर ऊपर देखो इरेज पे टच किया हूँ, तो टच कर देने के बाद कुछ इस टाइप की करके इरेज कर लेना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है भाई, इसीलिए मैं बताता रहता हूँ, वीडियो को फुल वेस्ट किया करो तो अभी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो देख रहे हो कुछ इस टाइप की करके लगा ली, लगा देने के बाद अभी आपको ठीक कर देना होगा, ठीक है। लास्ट लास्ट इन तक देखो भाई, बहुत ही अच्छी होने वाला है। तो अभी क्या होगा, इफेक्ट्स पे चले जाना होगा हमको। इफेक्ट्स पे आ जाने के बाद हमको क्या करना होगा, इधर लास्ट वाले नहीं 3 नंबर पे जो ऑप्शन है, इस पर टच कर लेना होगा, ठीक है। तो एक बार हम टच कर ली, इसको जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हो, तो इतना चाहिए मेरे को, इतना बढ़ा ली, अभी इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ठीक कर देने के बाद इधर टूल्स पे चले जाना होगा। टूल्स पे आ जाने के बाद इधर एग्जास्ट लिखा हुआ है, तो एग्जास्ट पे टच कर देने के बाद हमको हमारा जो फोटो का लाइट है उसको एग्जास्ट करना है। तो कुछ इस टाइप की करेंगे और इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, और इसको डिटेल्स जो है डिटेल्स को थोड़ा सा देंगे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो और ठीक कर देने के बाद कोई भी एक टेक्स्ट दे सकते हो आप, नहीं तो नहीं भी दे सकते हो, कुछ इस टाइप की करके हम टेक्स्ट को इस इधर लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की हो जाएगा आपका फोटो। तो अभी हमको क्या करना होगा, ठीक ठीक पे एक बार टच कर देना होगा। टच कर देने के बाद इधर देख रहे हो ब्रांडर लिखा हुआ है, तो ब्रांडर पे एक बार टच कर लेना होगा, और इसको माइनस कर लेना होगा, इसको -1 पे रख देना होगा। अभी इसको ठीक कर देंगे, जो हमारा फोटो था वो ऑलरेडी एडिटिंग हो चुकी है, देख रहे हो कितना मस्त और गजब की आप लोगों के सामने ही एडिटिंग हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट कर दो, और नया नया और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, ठीक है। और अभी क्या करना होगा, ड्रो टूल जो है, ड्रो टूल पे आपका चले जाना होगा। ड्रो टूल पे आ जाने के बाद इधर 3 डॉट पे टच करना होगा, और इसको सेव कर देना होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।